नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारा बीए सेकंड सेमेस्टर के लेक्चर कंटिन्यू चल ही रहे हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले भी 12 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, या हमारी साइट पर भी जाके देख सकते हो। और जिस किसी को भी आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, www.paperhacker.in, जैसे कि आपको नीचे पट्टी देती रही चलती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप WhatsApp पर कॉल भी कर सकते हैं हमें, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या आप डायरेक्टली हमारी साइट पर जा सकते हो www.paperhacker.in। वहां पर आपको किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, रेलवे, ठीक है, किसी की तैयारी करते हो, तो आपको बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स वहां पर मिल जाएंगी। नोट्स भी आपको प्रोवाइड सारे के सारे वहां पर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। जो इब्राहिम लोदी था वह कौन था, ये आपको पता है। इब्राहिम लोदी को जाता है लोदी वंश का अंतिम शासक। कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। तो पहले हम एक बार सारे के सारे रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद देखा था हमने लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले आया था गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह हो जाता है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक पूछ ले तो वह था अपना कैकुबाद। उसके बाद आया था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? वह था जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक हो जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह, या सुसरो शाह भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है गुलाम खिलजी तुगलक। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? वह हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अंतिम शासक पूछ ले तो हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज खां। खिज खां के बाद कहते हैं सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाता है आलम शाह। कौन? आलम शाह। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है लोदी वंश। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोदी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसका बेटा आता है निजाम खां उर्फ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे सिकंदर लोदी का पुत्र, जिसका नाम हो जाता है इब्राहिम लोदी। तो आज हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो हो जाएगा इब्राहिम लोदी के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है। सुल्तान इब्राहिम लोदी की विजय में आप क्या जानते हो, और उसकी विदेश नीति की विवेचना कीजिए। जो उसके विदेश नीति, युद्ध वगैरह हो जाते हैं उसके बारे में बताना है। इब्राहिम लोदी कौन था, उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करो। तो यही देखने वाले इब्राहिम लोदी के बारे में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, आपको पता है हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स, उसमें लोदी वंश के बारे में सारा की सारा लिख देते हैं ना। एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर डालेंगे उत्तर, हमने बनाया बॉक्स, प्रथम शासक, प्रसिद्ध शासक, अंतिम शासक, जो और पता है बाकी लिख दो। ठीक है, जो और पता है बाकी बारे में लिख दो। अब बढ़ते हैं, बॉक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बनाना ही बनाना है। जितना आपको याद है लोदी वंश के बारे में सब लिख देना, उसमें प्रथम शासक, अंतिम शासक, प्रसिद्ध शासक। अब यहां पर सिकंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर ये कर रहे हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था, इब्राहिम लोदी कब मरा था, कब जीवित हुआ, इतना पता है आप वहां लिख सकते हो। ठीक है, अगर जितना पता है, सिर्फ जितना पता है उतना लिख सकते हो आप वहां पर। अब पढ़ते हैं उसके बाद में इसके हेडिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी इब्राहिम लोदी। क्या डालेंगे भाई हेडिंग? हेडिंग डाल दी हमने, उत्तर में बॉक्स बनाया, बॉक्स के नीचे क्या डाली, इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां पर देंगे पहले, है ना। और यहां पर भी दे ही रखी होगी, देखते हैं। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था, मैंने आपको बताया। जो इब्राहिम लोदी था वो निजाम खां उर्फ सिकंदर लोदी उर्फ सिकंदर शाह का क्या था, ये पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अमीरों के समर्थन से, वह अमीर कहां के थे, अफगानिस्तान के। इसका पिता कौन था, इसका पिता कौन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था, बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी कहां से आया था, बहलोल लोदी आया था अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के कौन थे, अमीर, और उन्हीं का समर्थन ये करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अमीरों के समर्थन से वह 1517, क्योंकि 1517 में किसकी डेथ हुई थी, किसकी हुई थी भाई, सिकंदर शाह लोदी, है ना, या सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी 1517 में। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा,
बैठ गया इब्राहिम लोदी उसका पुत्र। ठीक है, 1527 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ क्योंकि इब्राहिम लोदी एक योग्य और साहसी, कैसा था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी एक योग्य और साहसी सुल्तान था, अतः उसने सिकंदर लोदी के काल के साम्राज्य में फैली अराजकता को समाप्त करने का प्रयत्न किया। जो उसके पिता के साम्राज्य में जो अराजकता फैली हुई थी, अराजकता जो फैली हुई थी उसको समाप्त करने का किसने प्रयास किया, वह किया था इब्राहिम लोदी, जिसमें उसे बहुत अच्छी सीमा तक सफलता मिली। उसने 1526 ईस्वी तक शासन किया, क्योंकि आपको पता है 1526 में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और सिकंदर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, है ना, वही दे रखा है 1526 ईस्वी पानीपत प्रथम युद्ध ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन काल की कुछ घटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला हो जाता है इब्राहिम लोदी के काल की प्रमुख घटनाएं, क्या देखेंगे अब हम देखने वाले हैं इब्राहिम लोदी के काल की प्रमुख घटनाएं। तो जलाल खां का विद्रोह, कौन, जलाल खां का विद्रोह आ जाता है पहला ही, पहला कौन सा आता है, जलाल खां का विद्रोह आ जाता है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। तो देखते हैं, जलाल खां इब्राहिम लोदी का भाई था, देखो वहां पर भी कौन था, बारबख्शाह सिकंदर लोदी का भाई युद्ध किया था सिकंदर लोदी ने, अब यहां पर भी सिकंदर मतलब सिकंदर लोदी जो था उसके बेटे कौन, देखो यहां पर जलाल खां और किसके बीच हो रहा है, इब्राहिम खां के बीच यहां पर भी युद्ध देखने को मिला है भाइयों भाइयों में। जलाल खां इब्राहिम लोदी का भाई था, जौनपुर का स्वतंत्र शासक था, कहां का, जौनपुर का, और वो भी कहां का था, वो भी कहां का था, बारबख्शाह, वो भी कहां का था, जौनपुर का ही शासक था, और यहां पर भी जलाल खां कहां का है, जलाल खां भी कहां का शासक है, जौनपुर का ही शासक है। शासन के आरंभिक दिनों में मुख्य अमीर खाने कहा कोहानी, कौन था, अमीर था खाने कहा कोमानी, है ना, खाने जहां कोमान लोहानी, सॉरी मैं भी क्या पढ़ रहा, खाने जहां लोहानी, ध्यान से देखना, खाने जहां लोहानी था जो कौन था, एक अमीर, क्योंकि अमीरों से ही शासन करते थे, अमीरों पे ही शासन करते थे और अमीरों से ही शासन करते थे, क्योंकि सारे अमीर कहां के थे, अफगानिस्तान के, ने इब्राहिम लोदी को यह समझाया कि जलाल खां विद्रोह की तैयारी कर रहा है। किसने समझाया भाई, समझाया अमीर जान खा लोहानी ने, जान खाने जहां, सॉरी मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, खाने जहां लोहानी ने किसको समझाया, इब्राहिम लोदी को, कि भाई जो आपका भाई है जलाल खां वो क्या कर रहा है, आपके लिए आपके खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इब्राहिम लोदी को पता चला, आप देखते हैं, अतः इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को राजधानी वापस आने का आदेश दिया कि भाई आप राजधानी वापस आ जाओ, किंतु जलाल खां ने सुल्तान का आदेश का पालन नहीं किया और अपनी शक्ति को संगठित करता रहा। कुछ समय पश्चात जलाल खां ने आजम हुमायूं, किसके साथ, जलाल खां किसके साथ मिलकर कर रहा है युद्ध, विद्रोह, आजम हुमायूं के साथ, ध्यान रखना, आजम हुमायूं नामक एक सरदार के सहयोग से सुल्तान के विद्रोह विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इब्राहिम लोदी ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी, किंतु सेना को सफलता नहीं मिली पहली बार में, सेना को वहां से भागना पड़ा। पहले देखो इब्राहिम लोदी की सेना किससे, जलाल खां और हुमायूं से जो निजाम हुमायूं था, है ना, आजम हुमायूं जो था, हुमायूं कह सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, हुमायूं और जलाल खां का जो सेना थी उसके डर से कौन भाग गया, पहली जो सेना थी वो भागना पड़ा उसके, ठीक है, पहली सेना भाग गई। इब्राहिम लोदी ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी, किंतु इस सेना को सफलता नहीं मिली, सेना को वहां से भागना पड़ा। पहली बार की जो सेना की टुकड़ी थी इब्राहिम लोदी की, वह क्या हुई, युद्ध से भाग खड़ो उठी, ठीक है,
उसके बाद देखते हैं, ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी स्वयं सेना सहित विद्रोह के दमन के लिए चल पड़ा। उसके बाद स्वयं वो गया। जैसे ही जलाल खां को इब्राहिम के आने की सूचना मिली, वह ग्वालियर की ओर भाग गया। कहां से? जौनपुर से। कहां भाग गया? ग्वालियर चला गया। जौनपुर से ग्वालियर चला गया। इस पर इब्राहिम की सेना उसे ग्वालियर पकड़ने पहुंची तो वह वहां से मालवा भाग गया और जहां उसे बंदी बना लिया गया। जौनपुर से गया ग्वालियर, ग्वालियर से गया मालवा, मालवा में से क्या कर लिया गया भाई? बंदी बना लिया गया। अंत में इब्राहिम लोदी ने उसकी हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी ने क्या कर दी? अंत में जो थे, ठीक है, जलाल खां की यहां पर हो जाती है मृत्यु। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट विद्रोह की ओर। जो विद्रोह हो जाता है ग्वालियर पर आक्रमण। कौन सा विद्रोह था? दूसरा था ग्वालियर पर आक्रमण। पहला जौनपुर का था, अब देखेंगे ग्वालियर का आक्रमण। ठीक है, क्योंकि ग्वालियर का कौन था? आजम हुमायूं। अभी जो शासन किया था, जो जलाल खां का सहयोग दिया था आजम हुमायूं ने, उसको तो मारना था ना, अब यहां पर उसको मारेंगे। ग्वालियर के शासन जलाल खां को अपने साथ शरण दी थी ग्वालियर के शासक ने। इस कारण इब्राहिम लोदी ग्वालियर के शासन के असंतुष्ट था। जो ग्वालियर का शासक था आजम हुमायूं, उससे क्या था? ये असंतुष्ट था, क्योंकि इसने जलाल खां की सहायता दी थी, है ना। जलाल खां को क्या दी थी? शरण दी थी और उसकी सहायता की थी, और इसी वजह से उसने आजम हुमायूं, देखो नाम है ना आजम हुमायूं जलाल खां, दोनों का नाम याद रखना है, वही रिपीट होते रहेंगे यहां पर। सरबानी के नेतृत्व में एक सेना ग्वालियर और आक्रमण करने के ओर भेजी। इस सेना ने न केवल ग्वालियर के शासक को पराजित किया, बल्कि बहुत सारी लूटपाट की और अराजकता फैलाई। अंत में ग्वालियर का साम्राज्य सुल्तान ने मिला लिया। सुल्तान ने अपने साम्राज्य में क्या कर लिया भाई? ग्वालियर का जो साम्राज्य था वो अपने सल्तनत में। उसके बाद आता है तीसरा, मेवाड़ पर आक्रमण। कौन सा? मेवाड़ पर आक्रमण। दो तो आपको याद ही हो गए, जौनपुर और ग्वालियर वाला। जौनपुर जलाल खां, उसके सहयोगी आजम हुमायूं। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे हो जाता है हमारा मेवाड़ पर आक्रमण। कहां पर? मेवाड़ पर आक्रमण देखने को मिलता है। मेवाड़ पर उस समय राणा सांगा का शासक था। जो राणा सांगा हुआ करता था वह मेवाड़ का क्या था? शासक था। यह तो आपको पता होगी कि मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ग्वालियर की विजय से इब्राहिम लोदी के उत्साह में और अधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि ग्वालियर पर जब अधिकार कर लिया उसने, जौनपुर पर अधिकार कर लिया, तो उसका जो कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, वो क्या हुआ? बढ़ गया। इब्राहिम लोदी मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर क्या कर दिया? राणा सांगा पर यहां पर आक्रमण कर देता है। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता है, जिसमें सुल्तान की सेना पराजित हुई और उसे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। जो सुल्तान की सेना थी, इब्राहिम लोदी की जो सेना थी, वो क्या हुई? परास्त हुई और उसे रण से, युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा हो जाता है अमीरों का विद्रोह। किसका? अमीरों का विद्रोह। बहुत देखने का जिसने सल्तनत की स्थापना हुई थी, वही क्या कर रहे हैं? वही इब्राहिम लोदी का अब विद्रोह कर रहे हैं। तो देखते हैं, जलाल खां के विरुद्ध मिली सफलता से, जलाल खां के विरुद्ध मिली सफलता से इब्राहिम लोदी के घमंड में काफी वृद्धि हुई थी। अब उसने अपने सभी भाइयों के विद्रोह से डर से उन्हें कैद में डाल दिया, क्योंकि तो भाई जलाल खां जो था उसकी वजह से क्या हुई? सफलता। जलाल खां के विरुद्ध मिली सफलता से इब्राहिम लोदी जो था वो क्या हुआ था? काफी वृद्धि हुई थी उसके घमंड में। उसने क्या कर लिया फिर? जो उसके भाई हुआ करते थे, ठीक है, उनको भी कहां डाल दिया? कैद में डाल दिया। कुछ जो अमीर थे उनको भी कहां डाल दिया? इसने कैद में डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं, विद्रोहियों के डर से उन्हें कैद में डाल दिया। इतना ही नहीं, जलाल खां के साथी हुमायूं तथा उसके पुत्र फतेह खां को भी बंदी बना लिया गया। इब्राहिम लोदी इस निरंकुशता नीति से अमीरों में असंतोष उत्पन्न हो गया।
क्योंकि भाई ये तो अमीरों पर ही क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और अमीरों से ही क्या बना था, ये बना था। तो इस वजह से जो अमीर थे उनमें क्या हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया। अतः हुमायूं के दूसरे पुत्र इस्माइल खां, कौन सा दूसरा पुत्र हुमायूं का, आजम हुमायूं का, वो था इस्माइल खां। कौन था, इस्माइल खां ने कुछ अमीरों के सहयोग से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। इब्राहिम लोदी ने अमीरों के विद्रोह का दमन के लिए एक सेना भेजी, किंतु वह परास्त हो गई। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने विद्रोह के दमन के लिए पुनः सेना भेजी, अब इस बार सेना अमीरों का विद्रोह दमन कर गई। अब यहां पर अमीर क्या हो जाते हैं भाई, हार जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लास्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो एग्जाम में आपके 100% बनने वाला है। अभी तो सिर्फ यहां पर क्या देखेंगे, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ेगी, पानीपत का युद्ध तो अगली बार में देखेंगे अच्छी प्रकार से, मगर उसके बारे में थ्योरी तो आपको पता ही होनी चाहिए ना, पता होने चाहिए भैया सभी के लिए। बात करते हैं आगे। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य बराबर ने, सॉरी मुगल सम्राट होगा, है ना, मुगल सम्राट, क्योंकि आपको पता है मैंने ट्रिक आपको बता रखी है कौन सी थी, भाज, बी एच होगा, ठीक है, भाज सब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये हो जाते हैं मुगल साम्राज्य के सभी शासक, ठीक है। तो पहला शासक कौन था, वो हो जाता है बाबर, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सम्राट बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। 1526 ईस्वी में लड़े जाने वाले इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस युद्ध ने भारत में लोदी सत्ता के भविष्य का निर्णय कर दिया। इस युद्ध में पराजय के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नवीन मुगल वंश की सत्ता का पुनः प्रारंभ हुआ। अब यहां से स्टार्ट कौन होती है, मुगल वंश की पड़ जाती है यहां पर नींव, है ना, मुगल वंश की नींव पड़ जाती है और मुगल वंश यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं यहां पर विदेश नीति के बारे में, इब्राहिम लोदी की विदेश नीति के बारे में, विदेश नीति इसकी कैसी कैसी रही, ठीक है, ध्यान से देखना। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता सिकंदर शाह के साम्राज्य विस्तार नीति का पालन करते हुए ग्वालियर राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया था, क्योंकि सिकंदर शाह चाहता था इब्राहिम लोदी का पुत्र कि ग्वालियर पर हमारा अधिकार हो। उसी नीति के अनुसार इब्राहिम लोदी जो था वो सिकंदर शाह की जो कह सकते हैं एक आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ग्वालियर राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने सिकंदर शाह ने ग्वालियर पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन वह दक्षिण भाग नरवर, वहां दक्षिण में भाग था, नरवर को ही जीत सका, सफलता प्राप्त कर सका। इब्राहिम लोदी अपने पिता के कार्य को पूरा करना चाहता था। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर की मृत्यु के पश्चात ग्वालियर विजय का मार्ग प्रस्तुत हो गया कि भाई अब तो हो गए हैं, मानसिंह तोमर की हो गई मृत्यु, अब राज्य हड़प लो, है ना, ये क्या हो गया उसका कि ग्वालियर विजय का मार्ग प्रस्तुत था। मानसिंह तोमर के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य के पराक्रम और योग्यता का अभाव था। जो वहां का मानसिंह तोमर जो था ग्वालियर का, वह वहां का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य के पराक्रम और योग्यता का अभाव था। उसमें पराक्रम कम था और योग्यता भी कम थी। किसमें, वो जाते हैं मानसिंह के तोमर उत्तराधिकारी विक्रमादित्य में, क्योंकि मानसिंह तोमर की हो गई मृत्यु, अब कौन बचे, विक्रमादित्य बचे। इनमें पराक्रम और योग्यता कैसी थी, इनका अभाव था, अभाव मतलब कमी। इब्राहिम वास्तविक उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था, विस्तार करना था। जो इब्राहिम था उसका मौलिक मुख्य उद्देश्य जो था वो था अपने साम्राज्य में विस्तार करना, साम्राज्य को फैलाना। राज्यारोहण के बाद ही सुल्तान ने 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण किया था। यह भी कहा जाता है कि ग्वालियर इस समय सुल्तान के विद्रोहियों का अड्डा हुआ करता था। जो कुछ भी रहा हो, कड़ा के सूबेदार आजम हुमायूं, आपको पता है कड़ा का सूबेदार कौन था, आजम हुमायूं, ग्वालियर का सूबेदार कौन था, काजम हुमायूं को सुल्तान ने ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। विक्रमादित्य ने सुरक्षात्मक उपाय करते किए थे और अपने वीरता पूर्वक घेरे को
सामना भी किया, लेकिन अनेक अन्य सरदारों को सुल्तान ने ग्वालियर पर आक्रमण के लिए भेज दिया। इससे विक्रमादित्य हतोत्साहित हुआ। क्या हुआ? विक्रमादित्य हतोत्साहित हुआ। ग्वालियर दुर्ग के बाहरी क्षेत्र बादलगढ़ पर आजम हुमायूं द्वारा अधिकार कर लेने पर विक्रमादित्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुल्तान ने उसे ग्वालियर के बदले आगरा के पास शमशाबाद की जागीर दे दी कि भाई विक्रमादित्य आप ग्वालियर छोड़ो और आगरा के पास आपको एक शमशाबाद है, वहां पर जमीन दे रहे हैं, वहां पर जाके अपना पुनर्निवास करो। ठीक है, उन्हें मारा नहीं था, कहां भेज दिया था? आगरा के समीप शमशाबाद में भेज दिया था विक्रमादित्य के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो लेक्चर होता है भाई इब्राहिम लोदी वह हो जाते हैं खत्म, और उसके बाद पानीपत का युद्ध हो रहा है यहां पर और धुआंधार चल रहा है। इसमें क्या होगी? इब्राहिम खां की हो जाएगी मृत्यु और बाबर जाएंगे जीत। उसके बाद क्या होगा? मुगल साम्राज्य की अब यहां से स्थापना देखने को मिलेगी। अब राज्य कौन करेगा? वो करेगा बाबर। ठीक है, तो अगले हम क्या देखेंगे? पहला युद्ध देखेंगे जो हो जाता है, जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना भी आपने पढ़ रखा है फर्स्ट शासन, फर्स्ट शासक गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, उनका कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद सभी के लिए, सभी के लिए जय भारत।